एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित रोहनिया गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान सीमा है। लगभग 1051 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 785 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 285 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 298 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 19 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 35 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर व 5 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पंचायत घर, बारात घर, इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति ओमपाल सिंह, ग्राम रोहनिया, ब्लॉक बहेड़ी, थाना बहेड़ी, जिला बरेली से। अपने गांव में अब तक 65 मीटर सीसी रोड और 400 मीटर खरंजा और 400 मीटर नाली तथा 50 शौचालयों का निर्माण कराया है और 5 सोलर लाइटें लगवाई हैं। अभी समस्याएं हैं जैसे पंचायत घर नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और इंटर कॉलेज की यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पास पड़ोस में कोई इंटर कॉलेज नहीं है और मैं सरकार से बारात घर भी नहीं है। मैं सरकार से कहना मांग कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ इन चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। और पंचायत घर है वो बिल्कुल खंडर स्थिति में है, इस समय जर्जर हालत है उसकी, लिंटर गिरता हुआ है उसका पड़ा हुआ। और गांव में बिजली व्यवस्था है वो भी थोड़ी ठीक नहीं है, एक ही ट्रांसफार्म लगा है। गांव में जो लाइन है मैं 2-3 बार लिख के दे चुका हूँ, वो पूरी जर्जर तार पड़ी हुई है एक दूसरे पे तार, कोई लापरवाही बिजली विभाग की है जो अभी तक कोई सही करने नहीं आया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे गाँव के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजा जाए क्योंकि पैसे बहुत कम आ रहे हैं जिससे विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं गांव को पूरा चमका के रखूं जिससे पता चले कि यहाँ किसी प्रधान में कार्य हुआ है। तो जब जितना पैसा आएगा मैं पूरा विकास करने में लगाऊंगा उस पैसे को, और गांव वालों की भी यही इच्छा है। तो विकास कार्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजने का कष्ट करे सरकार।